टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रवणदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी से। संगम नगरी प्रयागराज, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह मामले में सीडी पर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है। मानहानि का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार देर शाम गौरीगंज एसओ ने जांच के बाद लौटी सीडी व सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। न्यायाधीश पी के जैन ने 15 सितंबर को बहस की तारीख नियमित की है। इस बीच याची वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राणा ने कहा है कि रिपोर्ट दिखाने की मांग कोर्ट से की जाएगी, जिससे बहस के सभी तत्व सामने आ सके। इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की ओर से दाखिल सीडी को सीलबंद लिफाफे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। वर्तिका के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री खिलाफ दाखिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सीलबंद लिफाफे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने की मांग की थी, ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो सके और सही तथ्य अदालत के सामने आ सके। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री व मानहानि याची का में दाखिल इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्षी संबंध जांच के आदेश दंड प्रक्रिया की धारा 202/1 के अंतर्गत पड़ी अर्जी पर दिया था। कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह और आदरणीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के केस में एक नाम प्रकाश में विवेचना में आया था, डॉक्टर रजनीश का। वर्तिका सिंह का ये डिफेंस वर्जन था कि डॉक्टर रजनीश और पीआरओ विजय गुप्ता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी तीनों की साजिशन वर्तिका सिंह को झूठा फंसाया गया है। डॉक्टर रजनीश ने सुल्तानपुर में जनपद में और दिल्ली सेशंस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल मूव किया था। दिल्ली सेशन कोर्ट ने उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया और सुल्तानपुर एडीजे सेकंड साहब ने उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया। इन दी मीनवाइल एमपी एमएलए कोर्ट से डॉक्टर रजनीश के खिलाफ 82-83 का ऑर्डर हुआ। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी FIR क्वेश्चन खारिज किया और एंटिसिपेटरी बेल में उनको इंटरिम बेल नहीं ग्रांट किया। जो है डॉक्टर रजनीश ऑनरेबल एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में सरेंडर हुए और जेल गए, तो कम से सपोर्ट करता है कि उनके साथ साजिश हुई है और उस साजिश में डॉक्टर रजनीश और उनके और अन्य लोग शामिल थे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।